सो टुडे वी आर हियर टू डिस्कस द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लेसन। समहाउ दिस वॉज वेरी फनी टू वल्ली। शी लाफ्ड एंड लाफ्ड अंटिल देयर वेयर टीयर्स इन हर आईज। सो वॉट वॉज फनी फॉर वल्ली? द सीन ऑफ काउ रनिंग ऑन द मिड ऑफ द रोड, रेजिंग इट्स टेल हाई अप इन द एयर। ये दृश्य सबसे प्यारा उसको लगा, और शायद ये दृश्य से क्वेश्चन आएगा, ये दृश्य से इसका एक अंत में निष्कर्ष भी पहुंचती है, वो सत्य जान जाती है कि डेथ इज इनिविटेबल, मृत्यु अवश्यभावी है। कि वही काव अंत में उसको क्या मिलेगा? मृत रूप में, इसलिए इम्पोर्टेंट है। शी लाफ्ड एंड लाफ्ड अंटिल देयर वर टीयर्स इन हर आईज। इतना हंसी आंख उसका नमी हो गया, आंख में पानी आ गया। हे लेडी हैवंट यू लव्ड इनफ। हे लेडी, लेडी रेफर्स टू वल्ली, और कंडक्टर कहता है उसको कि हे लेडी, ए मैडम, हैवंट यू लव्ड इनफ, क्या आपने ज्यादा नहीं आज हंस लिया, आप बहुत हंस चुकी हो। कॉल द कंडक्टर, ये बात बोला कंडक्टर, बेटर सेव सम फॉर टुमारो, अच्छा होगा आप कुछ हंसी कल के लिए छोड़ो, कल के लिए सेव करके रखो। एट लास्ट द काउ मूव्ड ऑफ द रोड, अंततः जो काउ काफी हॉन्किंग के बाद हट नहीं रहा था, फ्रेटेंड हो गया था, अब अंततः वह रास्ता दिया बस को, और बिल्कुल रोड अब क्लियर था। एज सून द बस केम टू रेल रोड क्रॉसिंग, अब बस पहुंच गई कहाँ? फाटक पर, रेलवे क्रॉसिंग के फाटक पर, रेल रोड क्रॉसिंग के समीप बस पहुंच गई। अ स्पेक ऑफ ट्रेन कुड बी सीन इन द डिस्टेंस। अब यहाँ एक वर्ड जानना है, स्पेक। स्पेक मीन्स डॉट, बिंदु। जब दूर से देखते हैं हवाई जहाज को छोटा प्रतीत होता है, जैसे नजदीक आता है कोई वस्तु है बड़ा प्रतीत होने लगता है। फाटक पे ट्रेन रुकी हुई थी, फाटक बंद था। बल्ली को दिखाई पड़ा ट्रेन स्पेक के रूप में, एक डॉट के रूप में। कुड बी सीन इन द डिस्टेंस, ग्रोइंग बिगर एंड बिगर एज इट ड्रू नियर। वो ट्रेन अब बड़ा और बड़ा उसको दिखने लगा था जैसे इसे ट्रेन नजदीक आ रही थी। देन इट रस्ट पास द क्रॉसिंग गेट विद अ ट्रिमेंडस रोअर एंड रैटल। और वह ट्रेन जो है रेलवे ट्रैक को पार करती है चलते हुए, दौड़ते हुए। रैटल, रैटल मीन्स खड़खड़ाहट की आवाज। रोअर, एक दहाल के साथ, रैटलिंग के साथ पार करती है, और उसके प्रभाव में बस जो है वह हल्का कांप रहा था, शेक कर रहा था, वाइब्रेशन हो रहा था। देन द बस वेंट ऑन एंड पास्ट द ट्रेन स्टेशन, और बस जो है जब फाटक खुली तो ट्रेन स्टेशन पास की, पैसेंजर आगे बढ़ने लगे। फ्रॉम देयर इट ट्रेवल्ड अ बिजी वेल लेड आउट शॉपिंग स्ट्रीट एंड टर्निंग एंटर्ड अ वाइडर थोरोफेयर। थोरोफेयर मीन्स अ पब्लिक रोड, अ बिजी पब्लिक रोड। यानी बस का मूवमेंट और बस का अप्रोचिंग टाउन का वर्णन यहाँ पे है। बस कैसे टाउन अप्रोच कर रही है, रास्ते में क्या क्या मिल रहा है, अनुभव दर्शाया जा रहा है। बस जो है पास की स्टेशन, और बस ट्रेवल्ड करते हुए बिजी व्यस्त इलाके में पहुंच जाती है जहाँ पे शॉपिंग स्ट्रीट है। इसका मतलब शहर के अंदर बस अब प्रवेश कर चुकी है। सो एंड टर्निंग, और बस मोड़ ली हल्का सा, और मोड़ लेकर के एंटर्ड अ वाइडर थोरोफेयर, एक चौड़ा सड़क में प्रवेश की। और थोरोफेयर भी बताए हम, अ बिजी पब्लिक रोड। जैसे बिजी आता है, थोरोफेयर मीन्स बिजी पब्लिक रोड, दैट मीन्स शहर का दृश्य है ये। शहर में बस प्रवेश कर गई। सच बिग ब्राइट लुकिंग शॉप्स, क्या देखी बल्ली वहां पे? बड़े बड़े चमकते हुए दुकानें देखी। व्हाट ग्लिटरिंग डिस्प्ले ऑफ क्लोथ्स एंड अदर मर्चेंडाइज, एक्सक्लेमेटरी मार्क है यहाँ पे। वल्ली पहली बार शहर का भी भ्रमण की थी, शहर का दृश्य देखी थी, क्या देखी? वो ग्लिटरिंग, चमकते हुए। ग्लिटरिंग मीन्स शाइनिंग। कोई भी दुकानदार अपने प्रोडक्ट को बड़े ही कायदे से सजा के रखता है, लुभावने में रखता है कि कस्टमर का नजर उस पे पड़े। देखी कि कपड़े का दुकान में कैसे खिड़की से सब देख रही है, कैसे कपड़ा जो है बिल्कुल अरेंज वे में रखा हुआ है। अदर मर्चेंडाइज,
हियर मर्चेंडाइज मीन्स प्रोडक्ट्स, थिंग्स फॉर सेल, और भी बिकने का सामान वहाँ पे डिस्प्लेड था दुकान पे। सच बिग क्राउड्स, बहुत ही बड़ा भीड़ था। स्ट्रक डम विथ वंडर, मानो वह दृश्य बल्ली को स्ट्रक डम्ब कर दी, कुछ देर के लिए गूंगी बना दी उसको। डम्ब, स्ट्रक डम्ब मतलब यहाँ पे वो बिल्कुल अवाक हो गई, सरप्राइज हो गई इस दृश्य, सुंदर दृश्य देख करके। मर्चेंडाइज का शॉप चमक रहा था शहर का, और ये पहली बार वो देख रही थी, और वह वंडर से, सरप्राइज से देख रही थी। वल्ली गेप्ड एट एवरीथिंग, वल्ली जो है मुंह खोल करके अवाक रूप में सब कुछ निहार रही थी। देन द बस स्टॉप्ड एंड एवरीवन गॉट ऑफ एक्सेप्ट वल्ली। बस बिल्कुल शहर पहुंच गई डेस्टिनेशन पर, और सब पैसेंजर उतर गए, लेकिन ये बालिका जो है नहीं उतरी। हे लेडी, सेड द कंडक्टर, आरेंट यू रेडी टू गेट ऑफ, क्या आप रेडी नहीं हैं बस से गेट ऑफ होने के लिए, उतरने हेतु। दिस इज एज फार एज योर 30 पैसे टेक्स यू, आप उतना ही डिस्टेंस आप आ चुकी हैं जितना 30 पैसे आपने पे किया था डेस्टिनेशन के लिए, यात्रा समाप्त। नो, वल्ली सेड, आई एम गोइंग बैक ऑन दिस सेम बस, मेरा प्लान है सेम बस से वापस जाना। शी टुक अनदर 30 पैसे फ्रॉम हर पॉकेट एंड हैंडेड द कॉइन्स टू द कंडक्टर। 30 पैसे निकालती है वो, और वह तुरंत हैंड ओवर कर देती है कंडक्टर को टिकट हेतु। Why is something the matter? मामला क्या है? तुम बस से उतरी भी नहीं, अब पैसा दे रही हो रिटर्न टिकट का, तुम कहीं, तुम्हारा प्लान भी जाने का नहीं है, तुम बस पर क्यों चढ़ी? No, nothing the matter, कोई मामला नहीं है, कोई बात नहीं है। I just felt like having a bus ride, that's all. मेरा सिर्फ एक ही मकसद था, बस राइड करना और मामला खत्म। Don't you want to have a look at the sights now that you are here? क्या तुम नहीं चाहती हो थोड़ा शहर के दृश्य को घूमे देखें, चूंकि अब तुम शहर आ चुकी हो। All by myself, क्या अपने आप में घूमूं खुद से? किसका शब्द है ये? बल्ली का। Oh, I would be much too afraid. अब वो बालिका जो अभी तक कॉन्फिडेंट थी, निर्भीक थी, करेजियस थी, अब यहाँ कहती है कि मैं बहुत डरती हूँ, डरी हुई हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकती बाहर जाकर के बस से शहर का भ्रमण करूं। ग्रेटली अम्यूज्ड बाय द गर्ल्स वे ऑफ स्पीकिंग द कंडक्टर सेड, बट यू वेरेंट अफ्रेड टू कम इन द बस। लेकिन तुम तो बस में चढ़ते वक्त बिल्कुल नहीं डरी थी, डर का शब्द तो तुम्हारी डिक्शनरी में नहीं है, अब क्यों डर की बात करती हो? नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट, बस पे चढ़ने के मामले में कोई डरने की बात नहीं है। शी एंसर्ड, वो जवाब दी। Well, then why not go to the stall over there and have something to drink? So we come to know in the lesson that conductor was a jovial fellow and very amiable person, very friendly person. And here the conductor's character is displayed, depicted. बच्चों से प्रेम भी करता था वो। उसको ऑफर किया कि चलो हम लोग क्यों नहीं एक स्टॉल पे जाकर के कुछ पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक। Nothing to be afraid of about that either. ये तो डरने की बात नहीं है। Oh no, नहीं, I couldn't do that. ये मैं नहीं कर सकती। Well then, let me bring you a cold drink. तो ठीक है, तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक लेके आता हूँ। No, I don't have enough money. मेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं है, पर्याप्त पैसे नहीं है। Just give me my ticket, that's all. सिर्फ मेरा टिकट दे दीजिए आप, बस इतना ही। It will be my treat and not cost you anything. ये मेरी तरफ से ट्रीट होगा, ये मेरी तरफ से एक स्मॉल पार्टी होगा। देयर इज नो नीड टू पे, यू वुडंट पे फॉर दैट। नो, सी सेड फर्मली, बिल्कुल शक्ति के साथ कही, नहीं, ऐसा नहीं, मुझे नहीं लेना, मुझे ऑफर स्वीकार नहीं, प्लीज नो, कृपया नहीं, ऐसा मत कीजिए, कुछ मत लाइए मेरे लिए। कंडक्टर श्रग्ड एंड दे वेटेड अंटिल इट वॉज टाइम फॉर द बस टू बिगिन द रिटर्न जर्नी। सो यहाँ देखते हैं कि बल्ली इज डिक्लाइनिंग द ऑफर, दिस शोज हर सेल्फ रिस्पेक्ट। यस, वो किसी के पैसे के ऊपर अपना फायदा नहीं चाहती थी, वो ट्रीट नहीं चाहती थी, उसके पास पैसा नहीं था तो वो उस फैसिलिटी को अवेल करना नहीं चाहती थी। मोर ओवर यहाँ एक और भाव है कि वो एक बहुत ही अवेयर चाइल्ड थी।
बाहरी लोगों से कुछ ग्रहण करना नहीं चाहती थी वो। और अब समय हो गया था जर्नी बिगिन करने का, बस खुलने का। किस तरफ जाने हेतु? गांव की तरफ। अगेन देयर वेरेंट मेनी पैसेंजर्स, तो अभी भी स्लैक टाइम था, ज्यादा पैसेंजर्स नहीं थे। वोंट योर मदर बी लुकिंग फॉर यू? क्या तुम्हारी माँ तुम्हारी राह नहीं देख रही होगी? क्या ढूंढती नहीं होगी? द कंडक्टर आस्क्ड व्हेन ही गेव द गर्ल हर टिकट। टिकट देते हुए पूछा, नो 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 वन विल बी लुकिंग फॉर मी सी सेड। कोई मेरा इंतजार या मेरा ये कोई ढूंढता नहीं होगा, इसकी चिंता आप ना करें। द बस स्टार्टेड एंड अगेन देयर वेयर द सेम वंडरफुल साइट्स। सो बस स्टार्ट होती है और सेम वंडरफुल साइट जो शहर के तरफ वो गई थी, ट्रेवल की थी, सेम वंडरफुल साइट देखने का मौका उसको पुनः मिलता है। बल्ली वॉजेंट बोर्ड इन द स्लाइटेस्ट। स्लाइटेस्ट मीन्स थोड़ा सा भी, थोड़ा सा भी वह बोर नहीं हुई इस जर्नी में भी, जबकि सेम दृश्य वह देख रही थी। एंड ग्रीटेड एवरीथिंग विद द सेम एक्साइटमेंट शी हैड फेल्ट द फर्स्ट टाइम। और सब एक्साइटमेंट सेम था, सभी दृश्य को वह सेम ढंग से रिसीव की, ग्लैडली हैप्पीली। बट सडनली सी सॉ अ यंग कॉल लाइंग डेड बाय द रोड साइड। लेकिन अचानक एक और दृश्य देखती है दैट डैम्पन्स हर एंथुसियाज्म, जो उसके उत्साह को कम कर देता है। और वह क्या दृश्य था? काउ लाइंग डेड बाय द रोड साइड। एक गाय मरी पड़ी थी रोड साइड में, जस्ट वेयर इट हैड बीन स्ट्रक बाय सम फास्ट मूविंग व्हीकल। शायद वह काउ जो है मूविंग व्हीकल से टकरा के घायल अवस्था में होके मर चुकी थी। इजंट दैट द सेम काउ दैट रैन इन फ्रंट ऑफ द बस ऑन आवर ट्रिप टू टाउन? क्या वह वही काउ तो नहीं है जो अभी तुरंत हम कुछ देर पहले देखे थे ड्यूरिंग माई जर्नी टू द टाउन? सी आस्क द कंडक्टर। वो कंडक्टर से पूछी। द कंडक्टर नॉडेड। कंडक्टर हाँ में सर हिलाया कि हाँ वही गाय, यही वही बछड़ा है ये। एंड शी वॉज ओवरकम विद सैडनेस। और वो बिल्कुल सैडनेस से प्रभावित हो गई, बिल्कुल सैड हो गई। वॉट हैड बीन अ लवेबल ब्यूटिफुल क्रीचर जस्ट लिटिल वाइल अगो had now suddenly lost its charm। जो एक सुंदर प्राणी, सुंदर क्रीचर था कुछ क्षण पहले, had now suddenly lost its charm। अचानक वो पूरा गरिमा समाप्त हो गया उस क्रीचर का मृत्यु के उपरांत। एंड इट्स लाइफ looked टू सो हॉरिबल। और उसका जीवन जो है मृत रूप में कितना भयानक दिखता था। सो फ्राइटनिंग एज इट ले देयर लेग्स स्प्रेड ईगल्ड। कितना फ्राइटनिंग दृश्य था। वह गाय पड़ी हुई थी लेग स्प्रेड ईगल्ड। स्प्रेड ईगल्ड मीन्स स्प्रेड आउट, पूरा चारों खानो चित, पैर हवा की तरफ दिशा में उठा हुआ वो मृत पड़ी हुई थी गाय। अ फिक्स्ड स्टेयर इन इट्स लाइफलेस आईज। और आंख खोल करके, आंख से मानो प्राण निकला था, आंख बिल्कुल खुला हुआ था। और वह गाय एक लाइफलेस ऑब्जेक्ट की तरफ पड़ी हुई थी। ब्लड ऑल ओवर इन पूल ऑफ ब्लड, चारों तरफ ब्लड भी ही ब्लड बिखरा हुआ था। द बस मूव्ड ऑन। अब बस आगे बढ़ी। द मेमोरी ऑफ द डेड कॉ हॉन्टेड हर। जो डेड कॉ का दृश्य था वह यादें बार बार हॉन्ट कर रहा था। हॉन्ट मीन्स रिटर्न रिपीटेडली टू हर माइंड। वह दृश्य अगेन एंड अगेन बल्ली के हृदय में, मन में विजिट कर रही थी। हर डैम्पनिंग हर एंथुसियाज्म, और उसके एंथुसियाज्म उत्साह को डैम्पनिंग कर रही थी। डैम्पनिंग मीन्स निराश करना, डैम्पनिंग मीन्स लैक ऑफ एंथुसियाज्म, उत्साह कम करना। उसके उत्साह को कम कर दिया था, उस खुशी के उत्साह को। शी नो लॉन्गर वॉन्टेड टू लुक आउट द विंडो। अब वो बालिका बाहर देखना बिल्कुल नहीं चाह रही थी। शी सैट दस ग्लूड टू हर सीट। वह मानो अपने सीट में ग्लूड हो गई, ग्लूड मीन्स चिपक कर बैठ गई। अनटिल द बस रीच द विलेज एट 3:40। अब बस बिल्कुल चलते हुए, ट्रैवल करते हुए 3:40 में बस गांव पहुंच गई। शी स्टूड अप एंड स्ट्रेच्ड हरसेल्फ। वो खड़ी हो गई और अपने आप को थोड़ा जंभाई लेते हुए शरीर को थोड़ा स्ट्रेच की, सीधा की। देन शी टर्न टू द कंडक्टर एंड सेड, वेल सर आई होप टू सी यू अगेन। ठीक है सर, अच्छा है सर, अब फिर हम मिलते हैं, उम्मीद करते हैं आपसे फिर मुलाकात होगी।
और यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है हम लोग को कि बल्ली वॉज अ वेल मैनर्ड गर्ल, यस शी वॉज अ वेल बिहेव्ड गर्ल। ओके मैडम, ठीक है मैडम, ही आंसर्ड हर स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए जवाब दिया वो। वेन एवर यू फील लाइक अ बस राइड कम एंड ज्वाइन अस, जब भी आपकी इच्छा हो बस राइड को आप आके ज्वाइन कर सकती हो। एंड डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर फेयर, और मैडम जी याद रखिएगा भाड़ा नहीं भूलिएगा। शी लाफ्ड एंड जंप्ड डाउन फ्रॉम द बस, इस बात पे वो हंसी और उछल करके बस से नीचे उतर गई। ये साबित करता है कि वो कितनी खुश थी, उसका मिशन पूरा हो गया था। शी हैड अकम्प्लिश्ड हर मिशन टू रीच द टाउन, टू ट्रेवल टू द टाउन दैट वॉज हर ड्रीम, बहुत अंदर से खुश थी वो। देन अवे शी वेंट, और वो अपने घर की तरफ दूर चल पड़ी। रनिंग स्ट्रेट फॉर होम, दौड़ते हुए घर की तरफ वो भाग रही थी, क्योंकि माँ हो सकता है जग गई हो, उसकी इंतजार करती हो, ढूंढती हो। When she entered her house, she found her mother awake and talking to one of Bali's aunts. जब वो घर के मुहाने पे पहुंची, घर के डोर के पास पहुंची, देखी दृश्य की आंट जो बगल वाली है मम्मी से बात कर रही है डोर वे पे। द वन फ्रॉम साउथ स्ट्रीट, वो आंट कहाँ रहती थी, साउथ स्ट्रीट पर, याद रखना। दिस आंट वॉज अ रियल चैटर बॉक्स, यह आंट जो है बिल्कुल वातनी बाचाल औरत थी ये। एक बार मुंह खोले देन सी वुड नेवर स्टॉप, नेवर क्लोजिंग हर माउथ वंस स्टार्टेड टॉकिंग। एंड वेयर हैव यू बीन, और कहाँ थी तुम, सेड हर आंट व्हेन बल्ली केम इन, कहाँ थी, कहाँ गई थी, ये बात आंट पूछी। अरे शी स्पोक वेरी केजुअली, वो आंट जो है यूं ही पूछ दी, नॉट एक्सपेक्टिंग अ रिप्लाई, वो पूछते वक्त कोई रिप्लाई का अंदाजा या अनुमान नहीं लगाई थी, किससे, बल्ली से। ऐसे ही कैजुअल क्वेश्चन पूछ दी थी, कहाँ थी। सो बल्ली जस्ट स्माइल्ड, उत्तर में बल्ली सिर्फ मुस्कुराई। एंड हर मदर एंड आंट वेंट ऑन विथ देयर कॉन्वर्सेशन, और मदर और उसकी आंट जो है आगे बढ़ते रही अपने वार्तालाप में। और वार्तालाप चल रहा था कुछ और मामला, कि सब कुछ इस दुनिया में जो आसपास होता है सब के बारे में हम लोगों को खबर नहीं रहता है, सही बात है या नहीं। अमेरिका में भी क्या हो रहा है कोई खबर हमको नहीं है। यस यू आर राइट, हर मदर सेड, सो मेनी थिंग्स इन आवर मिडस्ट एंड इन द वर्ल्ड आउटसाइड, बहुत सी घटनाएं हमारे बीच में मध्य में दुनिया में होते रहता है, दुनिया के बाहरी इलाकों में। हाउ कैन वी पॉसिबली नो अबाउट एवरीथिंग, संभव भी नहीं है कि हम लोग सब कुछ जान सकें। And even when we do know about something, we often can't understand it completely. और कुछ खबर हम लोग जान भी जाते हैं कोई घटना के बारे में, पूरी जानकारी हमें उस घटना के बारे में प्राप्त नहीं हो सकता है। Can we? क्या ऐसा हम लोग साथ होता है कि नहीं, आपस में लोग बात कर रही थी। Oh yes, breathed बल्ली, बीच में बल्ली यहाँ चाइम करती है, हस्तक्षेप करती है और कहती है कि Oh yes, ब्रीथ बल्ली, हाँ सही बोली आप। व्हाट, क्या, आस्क्ड मदर, क्या सही बोले हम लोग। व्हाट्स दैट यू से, क्या तुम बोली। ओ सेड बल्ली, आई वॉज जस्ट अग्रीइंग विथ व्हाट यू सेड अबाउट थिंग्स हैपनिंग विदाउट आवर नॉलेज। नहीं नहीं मम्मी, हम तो जस्ट एग्री कर रहे थे कि क्या आप लोग जो बात कर रही थी कि बहुत सी घटनाएं होती है आसपास और हमें नॉलेज नहीं होता है, जानकारी नहीं होती है सभी घटनाओं के बारे में दुनिया में जो घटित होती है, उसी बात पे एग्री कर रहे थे। जस्ट अ चिट ऑफ अ गर्ल, चिट ऑफ अ गर्ल मीन्स इमैच्योर चाइल्ड, ये शब्द है आंट की। जस्ट अ चिट ऑफ अ गर्ल, चिट मीन्स इमैच्योर गर्ल, देखो कितना इमैच्योर गर्ल है ये। शी इज, said her aunt, and yet look how she pokes her nose into our conversation, और देखिए कैसे ये टांग अड़ाती है। pokes her nose means take interest in something that doesn't concern you, इस चीज में इंटरेस्ट लेना जो मेरा मामला ना हो। देखिए कैसे ये बालिका जो है इंटरेस्ट ले रही है हम लोग के मामले में, मैटर में, वार्तालाप में, जो इसके मैटर का नहीं है, लेना देना इसको कुछ भी नहीं है। said her aunt, and yet look how she pokes her nose into our conversation, देखिए कैसे ये poke her nose करती है, interest लेती है हम लोग के वार्तालाप में। just as though she were a grown lady, मानो कि वो एक बड़ी सी lady हो, mature lady हो, जबकि ये बच्ची है, ये aunt बोली। बल्ली smiled to herself, बल्ली फिर मुस्कुराई अपने आप में।
ये ग्रोन अप लेडी शब्द सुनकर मुस्कुराई, क्योंकि ये शब्द कौन इस्तेमाल किया था उसके लिए? कंडक्टर। उसको याद आ गया वो दृश्य। शी डिडंट वॉन्ट देम टू अंडरस्टैंड हर स्माइल। वो नहीं चाहती थी कि उसका स्माइल उन लोग को समझ में आए कि कौन सा एडवेंचर करके वो आई है, चुपके से शहर का भ्रमण करके आई है। वो स्माइल से वो लोग नहीं समझे, इस बात से भी कॉशियस थी वो। बट देन देयर वॉजेंट मच चांस ऑफ दैट वॉज देयर। कोई चांस नहीं था कि वल्ली के एडवेंचर एक्सकर्शन टू द टाउन के बारे में उन दोनों को पता चले, कोई चांस नहीं था। और अंत में क्वेश्चन पूछता है ऑथर, वॉज देयर, क्या कोई चांस था उन लोग को वल्ली के भ्रमण के बारे में, एक्सकर्शन टू द टाउन के मामले में? कोई जानकारी उनको प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि वो ट्रैवल की थी बहुत कॉशियसली नैप समय में, जब उसकी माँ सोई रहती थी और उस समय वह विलेज घूमने जाती थी। एंड वी सी दैट हाउ बल्ली, करेजियस गर्ल, वेरी क्यूरियस चाइल्ड, एंड हाउ सी फुलफिल्ड हर ड्रीम ऑफ ट्रैवलिंग टू टाउन, मेकिंग हर एक्सकर्शन, एंड सी फुलफिल इट विथ अ लॉट ऑफ करेज एंड कॉन्फिडेंस। सो यह लेसन में हमें कंक्लूडिंग कर सकते हैं कि एक बालिका के अंदर क्यूरियोसिटी होती है बच्चा के अंदर, और बच्चे कुछ साहसी भी होते हैं, वो एकॉम्प्लिश भी करते हैं अपने ड्रीम को।